वेलकम। आज हम लोग क्या करेंगे ना, हमारे पास यहाँ पे एक लैपटॉप है जिसका मॉडल है एचपी का, ये CQ43 है। तो आज हम इस मदरबोर्ड का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे कि हम इसको पावर ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बार बार रिस्टार्ट ले रहा है। कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे मेरा एम्पियर ले रहा है 0.02, अभी ये 0.4 के ऊपर चला गया, फिर जाके डाउन हो गया। तो हम जब इसको डायग्नोस किया था तो इसमें क्या था ना, कुछ शॉर्टेज था जो आयो के वजह से हो रहा था। तो हम इसको सोल्यूशन किया, करने के बाद अभी हमने यहाँ पे एक आईसी दिखा जो कि शॉर्ट दिखा रहा था, जिसके वजह से हमारा 3.3 शॉर्टेज हो रहा था, और वो है हमारा क्लॉक जनरेटर आईसी जो शॉर्ट था, जिसके वजह से ये हमारा प्रॉब्लम आ रहा था बार बार। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, उस आईसी को उठा के उसको रिप्लेस करेंगे। तो मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे वो आईसी है, ये है हमारा आईसी। तो इसको बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, हम यहाँ पे ब्लोअर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा ये आईसी उसका जगह पे प्रॉपरली कनेक्ट हो सके। तो ये जो जगह है यहाँ पे हमारा वो आईसी बैठता है, तो सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा क्लीन करके थोड़ा सा पेस्ट लगा दिया। ये ऐसी बिठाने का जगह है। अगर आप यहाँ से अच्छी तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डॉट नजर आएगा, तो इसका डॉट है और यहाँ पे थोड़ा सा कट दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे आईसी का एक नंबर पिन जाएगा। और अगर हम आईसी को देखेंगे तो ये हमारा आईसी, अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो ये कि यहाँ पे एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, तो ये है हमारा आईसी का एक नंबर पिन, मतलब ये वाला आईसी कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैठेगा। तो बिठाने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा हिट कर लेंगे। फिर आईसी को यहाँ पे थोड़ा सा बिठा के इसको थोड़ा सा हिट करके इसको छोड़ देंगे, और थोड़ा सा हमने उसको हिला भी दिया था ताकि वो अपने जगह पे प्रॉपरली जॉइंट हो सके। तो आप एक बार हम लोग देख लेंगे कि इसका जो लेग है ये सब प्रॉपरली अटैच हुआ कि नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये प्रॉपरली ऐसे फिक्स्ड हो गया है। तो ये अगर प्रॉपरली कनेक्ट हो जाता है तो हम अभी साइड को थोड़ा सा हीट कर देंगे ताकि उसका जो लेग का जॉइनिंग है वो तो ऐसे ही तो कनेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा हीट करने से सॉल्यूशन हो जाएगा। और
और एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है। अभी हम इस जगह को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो चलिए ये साफ हो गया। अभी एक बार हम इसको ऑन करके देख लेते हैं कि हम कैसे इसको करने के बाद ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए हम इसको फिर से पावर देते हैं। तो देखिए ये पावर देने से, तो देखिए ये पावर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो ये अभी ऑन हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम एम्पेयर देखेंगे तो वो भी यहाँ पे एम्पेयर ले रहा है। जब मैं इसको खोल देता हूँ तो ये जीरो आ रहा है, और अभी इसका सीमा खुला हुआ है तो इसी वजह से ये एम्पेयर डायरेक्ट ले रहा है, मतलब डायरेक्ट ऑन हो रहा है। तो अभी ये ऑन हो चुका है, तो मतलब ये आईसी का फॉल्ट था। तो हम इसको जब रिप्लेस कर दिया तो ये अभी प्रॉपरली ऑन हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। Thank you.